कोलंबा, लीबिया, द कॉमन रॉक पिजन। इसको कॉमन रॉक पिजन कहा जाता है। ठीक है, जनरल करेक्टर्स से रिलेटेड अब यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। पिजन ये जानते हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, एरियल हैं, ये भी एरियल होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स या इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कबूतर का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बना रहे हैं। कबूतर आप लोग जानते हैं, केवल बॉडी पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट्स यहाँ पर बर्ड्स में बॉडी को चार भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है ट्रंक और चौथा होता है टेल। ये चार पार्ट्स इसकी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब हेड रीजन में क्या पाया जाता है? वहाँ पर हेड रीजन में ये हम देखें कि ये बीक आपको देखने को मिलेगा, आई देखने को मिलेगा। बीक के बारे में हम जनरल करेक्टर्स में बात कर चुके हैं। अगर वहाँ पर जनरल करेक्टर को देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन बीक का कैसे हो रहा है, जबड़े के प्रोलांगेशन से होता है, उसके आगे की ओर बढ़ने से होता है, आई है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें ऑडिटरी अपर्चर आपको दिखाई देगा, अर्थात कान का या सुनने के लिए जो छेद होंगे मिडिल ईयर में जाएगा साउंड, साउंड फिर इसके बाद इंटरनल ईयर में जाएगा। ये यहाँ पर ऑडिटरी अपर्चर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे चोंच पर हमें नास्ट्रिल दिखाई देता है। ये चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि बीक में ये टीथलेस होता है, ये टीथलेस होता है। ठीक है, चलिए हेड की बात हो गई, नेक इसमें पाया जाता है, ट्रंक बॉडी जहां पर फीडर वगैरह पंख वगैरह से ये पूरी तरह से ढका होगा, और फिर एक पीछे की ओर अस्पष्ट निकला हुआ टेल होगा। ठीक है, तो हम टेल की, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेल इसको हम यूरोपाइजियम भी कहते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूरोपाइजियम या टेल के जो फीदर होते हैं, जो पर होते हैं, जो पंख होते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है इससे संबंधित, जिसको हम यूरोपाइजियल ग्लैंड या आयल ग्लैंड कहते हैं। ये आयल ग्लैंड, या इसको हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं, बात हो चुकी है, या इसको हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे? इसके देखिए, आप यहाँ पर एक बात जरूर जानिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे रेप्टाइल्स में,
रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है उसके स्किन में कहीं पर कोई ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। उसी तरह से बर्ड्स के स्किन में कहीं ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट यूरोपाइजियम रीजन, और यहां पर जो ग्लैंड्स पाई जा रही है उसको हम प्रीन ग्लैंड, आयल ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड कह रहे हैं। इसका काम यह होता है कि जो टेल होता है, टेल रीजन के जो पंख होते हैं, रेक्ट्रीज, इसके पंख को रेक्ट्रीज कहा जाता है, टेल रीजन के जो इस तरह से पंख होते हैं ये यहां पर, इनको ये चिकना लुब्रिकेटेड बनाता है। लुब्रिकेटेड बनाने का काम किया जाता है यहां पर जो फेदर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक चीज और, बर्ड्स दो प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा है, एक फ्लाइटलेस बर्ड, दूसरा फ्लाइट बर्ड। जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं वहां पर ये प्रीन ग्लैंड या आयल ग्लैंड एब्सेंट होती है। यहां पर केवल एक एक्सेप्शन है जो कि कीवी है। देखिए, बातें सब रिमाइंड होनी चाहिए, पढ़ते समय ये सारी बातें हमारे दिमाग में जब रिकॉल की जाएगी तभी कायदे से या ठीक से आपकी प्रिपरेशन होगी। रिकॉलिंग टू बी मस्ट, किसी चीज को आप रिकॉल अवश्य करें। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करें, किससे डिस्कस करें, यहां पर एक्जोस्केलेटन की बात करें। एक्जोस्केलेटन से रिलेटेड आप यहां पर कौन कौन से भाग देखेंगे, या हम ये कह दें कि चलिए हम पहले एक्जोस्केलेटन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक्जोस्केलेटन के रूप में बीक होगा, स्केल्स होंगे और क्लॉज एंड स्पर होंगे और इसके बाद यहाँ पर फेदर्स होंगे। ये एक्जोस्केलेटन के रूप में पाए जाएंगे। बीक जान रहे हैं पूरी बॉडी पर, या आपको स्पष्ट दिखाई देगा लेग रीजन में, स्केल्स ये दिखाई देता है, ठीक। क्लॉज आप जान ही रहे हैं, क्लॉज क्लाज आपको देखने को मिलेगा, टूज के साथ क्लाज लगे होते हैं, और इस पर कहीं कहीं पर इस पर एब्सेंट होता है और कहीं कहीं पर इस पर पाए जाते हैं। तो स्पर्श की हम बात करेंगे यहाँ पर। जब हम ये बात करते हैं, देखें यहाँ पे हाइंड लिंब की बात करें जरा, ये देखें, या हम लोग इसी में ये देख लेते हैं। चलिए हाइंड लिंब ये देखें, ये इस प्रकार से एक निकला हुआ आप पार्ट देखेंगे, ये इसको आप क्लॉज कहेंगे, इसे हम टूज कहेंगे, ठीक। ये फर्स्ट टूज, दूसरी टूज, तीसरी और चौथी, और आपको पता है फर्स्ट जो टू होती है इसको हम हाइलक्स कहते हैं। फर्स्ट
उंगली को या पंजे को हम हाइलक्स कहेंगे, और ये यहीं पर इस तरह से निकला हुआ स्पर होता है, ये ठीक है। तो इस पर यहां पर है क्या, क्लास तो आप जान गए, टू जान गए, इस पर क्या है, इस पर टार्सो मेटा टार्सस, ये क्या है, बोन है। टार्सस मेटा टार्सस क्या है, ये बोन है। ये जो बोन है, इसी बोन के प्रोजेक्शन से, इसी बोन के प्रोजेक्शन से यहाँ पर इस पर का फॉर्मेशन होता है, और ये इस पर इस केस में पिजन के केस में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन पिजन, ये देखें पिजन के केस में एब्सेंट है, ठीक है। तो इस पर क्या है, किससे बनता है, किससे डेवलप होता है, टार्सो मेटा टार्स। आपने सुना है कि जो पैर होती हैं, पैर की हड्डियाँ टार्सल्स होती हैं, टार्सल्स आपने सुना होगा, टीबिया फेबुला टार्सल मेटा टार्सल्स, ये नाम आपने सुने होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक बोन है टार्सो मेटा टार्सस, उसी से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर दें फीदर की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। फीदर ये देखें, अब यहाँ पर एक इस तरह से अगर दिखाएं तो आप ये देखें, और फिर ये देखिए, यहाँ पर आप फिगर पर बहुत मत जाइएगा, ये देखें, और यहाँ पर ये इस तरह से, फिर यहाँ पर ये इस तरह से, पूरा ये पूरी जो बड़ी सी ये फीदर आप देखेंगे, ये जो फीदर्स देखेंगे, इसको हम रेमिजेज कहेंगे, और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे कवर्ड्स होगा, और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कंटूर होगा, और यहाँ पर इसको हम जो देख रहे हैं ये रेक्ट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेक्ट्रीज है, कंटूर है, रेमिजेज है, कवर्स हैं, ये यहाँ पर फीदर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो फीदर्स हैं इनको हम ये देखें कि कितनी तरह के होंगे, फिगर में हमें जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम डिस्कस कर लें। तो अगर हम फीदर्स के क्लासिफिकेशन को देखें, या एक हम फीदर को देखें, किसी एक फीदर को हम देखें, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, आपने देखा होगा ये ऐसे एक छोटा सा, ऐसे गोला सा सांप, फिर इसके बाद ये, और यहाँ पर ऐसे, और ये चीज़ ये आपने यहाँ पर इस तरह से, इनको हम वेन्स कहते हैं, और ये बीच में जो हमें दिख रहा है ये जो वेन
वेन के बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबा सा भाग देख रहे हैं, इसको हम रैकिस या साफ्ट बोलते हैं और इसे हम कैलमस बोलते हैं। ये देखें, ठीक है, ये किसी फीडर का ये जनरल बात होती है, मतलब कैलमस एवं रैकिस, यहाँ कैलमस और वेन आप कहेंगे दो भाग पाए जाते हैं। कैलमस ये बेसल पार्ट है, ये आगे की ओर जो निकला हुआ भाग होगा रैकिस होगा, जिससे यहाँ पर वेन्स निकली होंगी किनारे किनारे, ये देख रहे हैं। तो ये किसी भी फीडर में पाया जाता है, कहीं कहीं पर रैकिस एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो फीडर्स हैं ये इस पिजन में टाइप्स ऑफ फीडर्स कौन कौन से हमको देखने को मिल रहे हैं। नंबर वन, एक हो गया फ्लाइट फीडर, या हम जिसको क्विल फीडर कहते हैं। दूसरा यहाँ पर कंटूर हो गया। तीसरा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फिलोप्लूम होता है, और चौथा यहाँ पर जिसे हम डाउन फीडर या प्लीम्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, ये चार तरह के फीडर्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ से जो फ्लाइट फीडर होता है जिसे हम क्विल फीडर भी कहते हैं, इस क्विल फीडर में कौन कौन से भाग हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ज़रा देखें। फ्लाइट फीडर या क्विल फीडर, अब इसे आप कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, इसको यहाँ पे थोड़ा मिटाएंगे, रे मी जेज हो गया, और दूसरा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रीज लिखा था आपने, और तीसरा यहाँ पर कवर्स देख लीजिए, कवर्स आपको दिख रहा है, कंटूर आपको ये दिख ही रहा है, डाउन्स और फिलोप्लूम आपको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लाइट मसल्स है, इस फ्लाइट मसल में रेमिजेज क्या होता है। अब आप ये देखते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बर्ड्स में फोर लिंब होते हैं, फोर लिंब ये विंग के रूप में मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग, फ्लाइंग विंग के रूप में, उड़ने वाले पंख के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, जो आगे के पैर होते हैं। अब आगे के जो पैर हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं किसमें, उड़ने वाले पंख के रूप में, और उड़ने वाले पंख या फ्लाइट पंख में जो फेदर पाए जाते हैं उनको हम क्विल फीडर कहते हैं। ये जो उड़ने वाला पंख है वहाँ पर, उसमें जो फेदर्स हैं उनको हम क्विल फीडर कहेंगे, जिनके द्वारा उड़ने का काम किया जा रहा है, और इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब रेमिजेज, अब यहाँ पर देखिए, एक पेयर विंग होगा और प्रत्येक विंग में अगर हम इस विंग को इस तरह से ये स्ट्रेच कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, अगर हम फैला दे रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये इस तरह से
ये देखिए, ये फीडर को मैं शो कर रहा हूं, फिर यहां पर देखें, ये देखें, तो ये यहां से अगर पंख को आप फैला देंगे तो ये फीडर्स इस तरह से दिखाई देंगे। यहां से यहां तक आगे का जो भाग होगा इसको हम प्राइमरी रेमिजेज कहेंगे, और यहां से यहां तक का जो भाग होगा उसको हम सेकेंडरी रेमिजेज कहेंगे। अगर हम काउंट करते हैं तो यहां पर इसकी जो संख्या होती है वो 11th रेमिजेज, और यहां पर कुल कितनी संख्या होती है 12th रेमिजेज ये, और ये दोनों मिला करके कुल 23 रेमिजेज की संख्या होती है जो कि पिजन या कबूतर में पाया जाता है। ये एक पंख में, मतलब फ्लाइंग विंग जो है, फ्लाइंग फेदर में रेमिजेज की संख्या प्रत्येक विंग में 23 होगी, दूसरे में भी 23 होगी, इसी तरह से। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रेमिजेज टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रेमिजेज की संख्या 11 होती है, सेकेंडरी रेमिजेज की संख्या 12 होती है, ठीक है। इसी तरह से अब हम रेक्ट्रीज देख रहे हैं। हमने इस फिगर में रेक्ट्रीज को कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा रेक्ट्रीजेज। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये कौन सा भाग है, टेल रीजन में। तो जो टेल रीजन का फिदर है उसको हम रेक्ट्रीज कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, टेल फिदर, टेल फिदर को हम रेक्ट्रीज कहेंगे, और इस रेक्ट्रीज की संख्या कितनी होती है 12 रेक्ट्रीजेज, ये इसकी संख्या 12 होती है, और इसके बेसल रीजन पर ये एसोसिएटेड होता है आयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड से। ये और इसका फंक्शन तो हम लोगों ने देखा था, ये फ्लाइंग का काम है, और रेक्ट्रीज जो टेल फीडर होता है ये आपको बताया गया था, ये क्या करते हैं, स्टीयरिंग का काम करते हैं, डायरेक्शन का काम करते हैं इधर से उधर, और स्पीड को कम एवं ज्यादा की बात अगर होगी, ब्रेकिंग की काम करते हैं, स्पीड कम करते हैं ये। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिदर हुआ रेक्ट्रीज। और अब हम कवर्स को देखें, कवर्स कहाँ पे पाया जा रहा है। ये जो रेमिजेज होते हैं या क्विल्स फिदर होते हैं, आप रेमिजेज कहेंगे, रेमिजेज के जो बेसल रीजन की छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से जो फेदर्स होते हैं उन्हीं को हम कवर्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, कहाँ पे पाया जाएगा, कवर्स कवर्स बेसल रीजन ऑफ रेमिजेज। और इनका काम क्या है कि जब बर्ड्स फ्लाइट कर रही होती हैं, उड़ती होती है, उड़ने को होती हैं, तो उड़ते समय हवा के दाब से सुरक्षा करना या हवा के दाब को कम करना, किस समय, उड़ते समय या उड़ने के दौरान या उड़ते समय हवा के दाब को कम करना, ये कवर्स का काम है। ठीक है, तो
ये क्विल्स फीडर की हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद आप ये देखें, दूसरा क्या है, कंटूर है। कंटूर आपने कहाँ देखा, कंटूर फीडर, इसकी विशेषता क्या है, पूरी बॉडी पे पाया जाएगा। होल बॉडी। और ये क्या होगा, ये छोटे होते हैं, स्मॉल होंगे और ऊल की तरह ये दिखाई देंगे। स्मॉल होते हैं, ऊल की तरह दिखाई देते हैं, ये पूरी बॉडी पे पाए जाएंगे। कंटूर। फिर इसकी अगली विशेषता ये है कि ये एयर फ्रिक्शन, हवा से उत्पन्न होने वाली, वायुदाब से उत्पन्न होने वाली जो घर्षण है, उससे एयर फ्रिक्शन से या एयर फ्रिक्शन को कम करते हैं, कम करते हैं। ये हो गया कंटूर फीडर का। पिन्नी कभी कभी इसी तरह से हम देखें, फिलोप्लूम हेयर लाइक होते हैं, बॉडी में ये दिखाई देंगे, हेयर लाइक होते हैं। ये आपसे बात पूछी जाएगी, हेयर लाइक जो फीडर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, तो आप ये बता देंगे कि फिलोप्लूम कहेंगे। इनका जो फंक्शन है, अननोन है। इनके फंक्शन के बारे में जानकारी यहां पर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग लास्ट देखें। लास्ट में क्या है, फीडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। यहां से डाउन्स फीडर डाउन फीडर या इसको प्लूम्यूल्स भी कहते हैं। यहां पर इसकी विशेषता यह है कि ये भी किसकी तरह होता है, कंटूर लाइक। और आपको मैं बता दूं, इसी के स्थान पर कंटूर फीडर का फॉर्मेशन होता है। कंटूर फीडर जो एडल्ट्स में दिखाई देते हैं, वो कहाँ से किसके रिप्लेस के बाद दिखाई देंगे, ये डाउन फीडर के रिप्लेसमेंट के बाद वहाँ पर कंटूर फीडर आता है। इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये कंटूर लाइक होते हैं और स्मॉल साइज होंगे, स्मॉल होंगे। आगे की बात यह है कि इनमें रैकिस या साफ्ट एब्सेंट है, रैकिस या साफ्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि कंटूर जो फीडर है इसी के स्थान पे पाया जाएगा। और ये किस में पाया जाता है, वनली न्यू हैचिंग बर्ड, अर्थात जो तुरंत जन्म ली होती हैं उनमें ये डाउन्स फीडर पाया जाता है। तो एडल्ट में एब्सेंट इन एडल्ट,
एडल्ट में ये नहीं पाया जाएगा, और न्यूली हैचिंग बर्ड में इसका क्या रोल होता है, ये है इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन, इंसुलेटर का काम करता है ये, चूंकि न्यूली हैचिंग बर्ड हैं ये नए एकदम, जिनको आप चूजे कहते हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, तो उनमें ये डाउन फीडर आपको मिलेंगे और ये इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। इन्हीं के स्थान पर यहाँ पर क्या आता है, कंटूर फीडर आता है। अब ये देखना है कि ये जो फीडर्स हैं कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से एराइज होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो हमें पता है कि स्किन में दो भाग है, एक इपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस रीजन जो है, इसी डर्मिस रीजन में पाया जाता है डर्मिस पाइपिली, और इसी डर्मिस पाइपिली से किसका निर्माण होता है, ये फीडर्स का डेवलपमेंट होता है। ये बात याद रखिएगा, कहाँ से एराइज हो रहे हैं, एराइज फ्रॉम दी डर्मिस पाइपिली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ्लाइट मसल की हम बात करें, उड़ने में सहायक जो पेशियाँ होती हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। कौन कौन सी पेशियाँ हैं जो कि सहायक होंगी, पेक्टोरल मसल, इसी का मेन रोल होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, मेजोरिस एंड माइनोरिस, ये दो प्रकार की होती हैं, तो उस लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेक्टोरल जो मसल, पेक्टोरल क्यों कहा गया, क्योंकि जो विंग है वो फोर लिंब का पार्ट है, आगे वाले भाग का पार्ट है, इसलिए इसको पेक्टोरल कहा जाता है। पीछे वाले पार्ट को पेल्विक रीजन कहा जाता है, तो यहाँ पर पेक्टोरल मसल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी फ्लाइंग मसल से रिलेटेड यहाँ पर टेंसर मसल पाई जाएगी, ये भी उड़ने में सहायता करती हैं, और कुछ एसेसरीज मसल होती हैं। यही तीन पेशियाँ ऐसी हैं जो कि उड़ने में सहायता करती हैं, पेक्टोरल मसल, टेंसर मसल, पेक्टोरल मसल। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे फ्लाइंग करेगी उसको, ये बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत एक्टिव मसल होती है पेक्टोरल मसल, ये आप जानते रहिएगा। टेंसर मसल पेल्विक रीजन से, अब ऐसे उड़ते समय जो इस तरह से तनाव होता है यहाँ पर, इस तनाव की जो पेशियाँ हैं वो टेंसर पेशियाँ हैं। बाकी अदर जो मसल्स हैं वो क्या हैं, एसेसरी मसल्स हैं जो कि फ्लाइंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फीडर से रिलेटेड बातें ख़त्म होती हैं, अच्छे से इसको आप करेंगे। अब हम बात एंडोस्केलेटन की कर लें, क्योंकि एंडोस्केलेटन आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट ही है यहाँ पर। एंडोस्केलेटन की बात करें, यहाँ पर पहले भी बातें हो चुकी हैं, एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स होती हैं, और ये बोन्स यहाँ पे देखिए, एक न्यूमैटिक बोन पाई जाएगी, करेक्टर जनरल करेक्टर मैंने बताया था, और ये न्यूमैटिक बोन कौन सी होती हैं, जो लॉन्ग बोन होती हैं जिनमें मैरो नहीं पाया जाता है, उस मैरो के स्थान पर यहाँ पर एयर भरा रहता है,
वो न्यूमैटिक बोन होती है, ठीक है, न्यूमैटिक बोन। अब यहाँ पर और भी, लेकिन विशेष करेक्टर की हम जब बात करें तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, स्टर्नम की हम बात करते हैं, स्टर्नम की बात करते हैं। जैसे हम ये दिखाएं, ये देखें यहाँ पर ये रीजन स्टर्नम का है, ये वेंट्रल सरफेस पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्टर्नम, ये जो स्टर्नम है, ये जो हड्डी यहाँ की है, ये पूरा का पूरा स्टर्नम भाग है, ये स्टर्नम की कील है, कील ऑफ स्टर्नम। अब आप देखिए, जैसे ये सपोज करिए कि इसका ये विंग है और इसका ये विंग है, इस विंग से संबंधित जो मसल्स हैं, हमने बात किया यहाँ पर फ्लाइट मसल्स हैं, वो जिनको हम फ्लाइट मसल्स कहेंगे, पेक्टोरल है, टेंसर है और एसेसरी मसल्स हैं। तो जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उनके लिए ये कील, स्टर्नम की जो कील होती है वह अटैचमेंट का काम करती है, उनकी पेशियों के अटैचमेंट के लिए रिस्पांसिबल होती है, ये है स्टर्नम। तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्टर्नम में कील पाई जाती है, कील प्रेजेंट इन स्टर्नम, ये, और किसके लिए होती है, फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। तो उड़ने वाली पेशियों के लिए जुड़ने का स्थान कील प्रोवाइड कराता है, जो कि स्टर्नम का पार्ट होगा। इसी तरह से स्टर्नम के बाद एक फिगर हमें और यहाँ पर बोन से संबंधित, एंडोस्केलेटन से संबंधित इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फर्कुला। ये देखें, ये हमको कहाँ पे मिलेगा, इसी रीजन में, देखें आप इसको, ये यहां पर स्कैपुला, ये यहां पर कोराक्वायर्ड, और ये जो पोर्शन है इसको हम फर्कुला कहेंगे। ये देखिए, तो ये पेक्टोरल रीजन में यहां पर एक फर्कुला का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ये फर्कुला किस आकार की है, वी शेप्ड हमको दिखाई दे रही है, वी के आकार की दिखाई दे रही है। और ये जो फर्कुला है ये बनी किससे है, ये है क्लेविकल एंड इंटर
क्लेविकल के फ्यूजन से, के संलयन से यहाँ पर ये पार्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्कुला किस तरह का होता है, वी शेप्ड होता है, किसके फ्यूजन से बना हुआ है, तो आप ये बता देंगे। और यहाँ पर अगर हम ये देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेंट्रल पोर्शन देखेंगे, ये कौन सा रीजन है, ये टेल रीजन है, तो यहीं पर वेंट्रल सरफेस की ओर ये क्या होगा, क्लोएका होगा। अगर डार्सल व्यू की तरफ देखेंगे तो यहीं पर हमको क्या दिखाई देगी, ये इस तरह से ग्लैंड दिखाई देगी, तब उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम डार्सल साइड में यहाँ पर प्रीन ग्लैंड या यूरोपीजियल ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए कॉर्डल रीजन या टेल रीजन में जो रेक्ट्रीज है उसके बेसल रीजन में ये ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, जो फ्लाइट लेस होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। इसी तरह से जब ये फ्लाइट का काम कर रही है, उड़ने का काम कर रही है, फ्लाइट मसल्स के जुड़ने के लिए यहाँ पर इनकी पेशियों में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था रिब, इस रिब में क्या पाया जाता है, रिब में अनसिनेट प्रोसेस होगा जो कि मसल के अटैचमेंट के लिए होगा। के लिए है, और कौन सी मसल्स के अटैचमेंट के लिए है, फ्लाइंग मसल के अटैचमेंट के लिए है। इसके साथ साथ आपने हेड को देखा था, फिगर आपको पता है, जनरल करेक्टर में हमने बताया था, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बाईफाइड है, मतलब बाईसिफाइलिक है। तो यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है, अनसिनेट प्रोसेस का पाया जाना एक्स्ट्रा एक प्रोसेस है जो कि पेशियों से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान कर रहा है। ठीक है, बोन में ही, इंडोस्केलेटन में ही हम चलेंगे, तो स्कल को हमने बताया ही था मोनोकंडाइल होता है, एक ही कंडाइल पाए जाते हैं स्कल में, और आपको ये और पता है सिनसैक्रम, सिनसैक्रम का फॉर्मेशन 16 वर्टी ब्री के मिलने से हुआ था, यहाँ पर भी सिनसैक्रम पाया जाएगा। और कौन कौन से, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और टेल वर्टिब्री, कौन कौन से होंगे, थोरेसिस मतलब पोस्ट थोरेसिस प्लस लंबर प्लस सैक्रम प्लस टेल, ये सब वर्टिब्री मिलकर के सिनसैक्रम बनाएंगी। और एक यहां पर पाइगो स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, ये तीसरी तीन या चार टेल वर्टिब्री फ्यूज्ड, तीन से चार वर्टिब्री जो होती है टेल की, वो फ्यूज होकर के पाइगो स्टाइल का फॉर्मेशन करती है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर सिनसैक्रम, पाइगो स्टाइल, इसके बाद आपने देखा फर्कुला, अनसिनेट प्रोसेस इन दी रेप्स, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये बातें वैसे भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, केवल ये रिपीट हो गया है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आप जानते रहिएगा।
ठीक है, अब हम लोग सिस्टम की बात कर लें। सिस्टम यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल एक बार मैं डिस्कस करते चलूँगा। जितने भी सिस्टम की बात हमने जनरल करेक्टर्स में की थी, सारी चीज़ें वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, वही बात यहाँ पर होगी। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा, उसी तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम में होगा, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। कोई यहाँ पर अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से होगा, एकदम सिमिलर कंडीशन वही पाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर वहां पर हमने बनाया था, यहां फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये इसोफेगस है, फिर इसका एक बड़ा सा ऐसे भाग होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं, फिर यहाँ पर गिजार्ड होता है ये, फिर ये क्रॉप होगा, फिर एक छोटा सा पार्ट होता है, फिर यहाँ पे गिजार्ड होता है, फिर इसके बाद आपको पता है कि ये इंटेस्टाइन का भाग होता है, फिर यहाँ पे एक रेक्टल सीका पाया जाता है, फिर यहाँ पर ये देखेंगे ये क्लोएका अपर्चर होता है। ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पर ये हमने देखा था इसोफेगस, और ये इसोफेगस पीछे जा करके ये क्राप के रूप में थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं प्री वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलम, और ये हो गया गिजर्ड, और ये जो कि किसका भाग हो गया, स्टमक का पार्ट हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो गया इंटेस्टाइन का भाग हो गया, फिर ये रेक्टल सीका का भाग हो गया, और फिर इसको हम रेक्टम कहेंगे, और इसे कहा जाएगा क्लोएका। ये देखिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हर जगह होता है, उसी तरह से इसोफेगस का काम क्या है, भोजन का कंडक्शन करना। भोजन कंडक्ट होकर के कहाँ पे पहुँचेगा, क्राप यहाँ पर एक चौड़ा सा भाग है, यहाँ एकत्रित हो रहा है भोजन, फिर यहाँ से भोजन कहाँ पे पहुँचेगा, स्टमक रीजन में। स्टमक रीजन में ये भाग जो देख रहे हैं ये ग्लैंडुलर होता है, ये पीछे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके द्वारा डाइजेस्टिव इंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। गिजर्ड का काम आप जान रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सचर या मथने का काम किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये भोजन कहाँ पे पहुँच रहा है, इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है, इंटेस्टाइन में भी पाचन होगा। भोजन पचने के बाद कहाँ पहुँचेगा, जो अपचित भोजन होगा वो कहाँ पे पहुँचेगा, रेक्टम में पहुँचेगा, और रेक्टम में से ये क्लोएका या छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। हर जगह इसी तरह से होता है, यहाँ पर भी इसी तरह से है, और इसका आप ये जानते हैं कि ये पिजन है। पिजन के क्राब की जो विशेषता होती है, चाहे वह देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था, पिजन का क्राब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसलिए दोनों में ये पाया जाएगा, और इस जगह से एक मिल्क का प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूज होता है, केवल ये पिजन की बात है, इसलिए इसको हम पिजन मिल्क कहते हैं, जो कि अपने यंग बॉर्न ऑफ स्प्रिंग या बच्चों को पिलाने के लिए या नरिशमेंट के लिए ये प्रोवाइड होता है। शाकाहारी होते हैं ये लोग, जानते ही हैं आप। आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सारी बातें वही होंगी जो हमने पीछे बताया था, सब कुछ वही होगा। हार्ट कैसा होगा, फोर चैम्बर्ड होगा,
यहाँ पर जो हार्ट बीट है वो 100 टाइम्स पर मिनट होगी। फिर इसके बाद चार चैम्बर है, आरबीसी को मैंने आपको बताया था कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, है ना, और हाईएस्ट नंबर होगा बर्ड्स में, हाईएस्ट नंबर में आरबीसी पाए जाते हैं, किसी भी जंतु की तुलना में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, हाईएस्ट नंबर आरबीसी होता है। एक मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर। इसके बाद हम पोर्टल सिस्टम को देखें, इसमें पोर्टल सिस्टम के रूप में मेन रूप से कौन पाया जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जैसे हम लोगों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, मैंने बताया है जनरल करेक्टर में क्या होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी पाया जाता है। और एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, इसको भी मैंने जनरल करेक्टर में बातें बताई है। यहाँ पर जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है ये बेरी रिड्यूज, या हम इसको कह दें वेस्टिजियल। जैसे हम लोगों में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिखता है ये बहुत रिड्यूज होता है, अर्थात आप कह सकते हैं ये वेस्टिजियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड और कोई बातें नहीं है, सारी बातें देखिए वही हुई जो कि जनरल करेक्टर में देखा गया। तो इस तरह से हम लोग ये पाते हैं कि कुछ चीज़ें जो यूनिक होती है उसी को डिस्कस करना रहता है। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम यूरिकोटेलिक होंगे, किडनी जो होगा मेटानेफ्रिक किडनी होगी, किडनी तीन चैम्बर में डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड है। यूरिनरी ब्लडर यहाँ नहीं होगा क्योंकि इनको उड़ना है, वेट कम करने के लिए यूरिनरी ब्लडर यहाँ पे नहीं पाया जाता है, केवल यूरेटर पाया जाता है, फिर डायरेक्ट जाकर के ओपन होते हैं, फिगर सहित मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ पर हैं, जनरल करेक्टर को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, साउंड प्रोडक्शन आर्गन, जानते हैं बोलते हैं सिरिंग, ये जैसे हम लोगों में लैरिंग्स है साउंड प्रोडक्शन के लिए, वैसे इनमें सिरिंग्स है। और ये कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के जंक्शन पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट पर पाया जाता है, साउंड प्रोडक्शन का काम होता है। सेंस आर्गन में हमने जो बात किया था वही बातें यहां पर भी होंगी, जो हमने बात किया था रिप्रोडक्शन में वही बात यहां पर भी होगी। रिप्रोडक्शन में हमने जो बात किया था क्या बात है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल में टेस्टिस एक जोड़ी होगी, यहां भी वही है, पेनिस यहां पे एब्सेंट होगा, पेनिस एब्सेंट, लेकिन मैंने वहां पे बताया था जो फ्लाइटलेस होते हैं उनमें पाया जाता है। इसी तरह से ये मेल की बात हो गई, फीमेल की हम बात करें, देखिए बातें बता चुके हैं इसलिए मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ। फीमेल की बात मैं कब बताऊँ, तो वहाँ पर ये बात बताई गई थी कि जो ओवरी होती है एक ही होती है, कौन सी, लेफ्ट यहाँ पर डेवलप होती है, राइट जो है यहाँ पर डेवलप नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। और यहाँ पर और क्या नहीं पाया जाता, यूटरस नहीं पाया जाता, यहाँ पर और क्या नहीं पाया जाता, वेजाइना, ये सब यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि उड़ने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर यूटरस होगा तो वहाँ एग एकत्रित होगा तो उड़ने में दिक्कत होगी, यूरिनरी ब्लडर होगा तो उसमें जो है वहाँ पर एक्सक्रेटरी मटेरियल भरा होगा तो वो उड़ने में दिक्कत करेगा, बॉडी वेट को बढ़ाएगा, इसलिए फ्लाइंग में जो है दिक्कत होगी।
इसलिए यहाँ पर ये एडॉप्टेशन पाया जा रहा है। लेफ्ट ओवरी ज़्यादा डेवलप होती है। इसके बाद यहाँ पे मुलेरियन डक्ट, जिसे हम ओवी डक्ट कहते हैं, फिगर वहाँ पे हमने बताया था, वो पाए जाएंगे। फिर जाकर के क्लोइका में ओपन होंगे, वेजाइना और यूट्रस यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एक कैसा होगा ये सारी बातें वहाँ पर हमने बताई थी, वो सारी सिमिलरिटीज यहाँ पर हैं। तो आप इस तरह से जनरल करेक्टर को देखते हुए पिजन के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को या करेक्टर्स को देखते चलिएगा, और ये टॉपिक आपका क्लास ए बीच यहाँ पर समाप्त होता है। इसका अध्ययन बहुत अच्छे से कर लीजिए।